सबको जय येसु की। प्रभु येसु में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज शुक्रवार है, पुण्य शुक्रवार। जैसे कि मैंने पहले से आप लोगों को सूचित किया है, आज के दिन में हम लोग येसु बुलारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज की रोटी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभु येसु मसीह के दुख भोग के 14 अलग अलग विषयों को लेकर मनन चिंतन करेंगे। और आज के लिए तीसरा विषय है ईसा ने वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 40 में लिखा है, ईसा ने वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो ईसा किससे बोलता है? अपने शिष्यों से, क्योंकि प्रभु के शिष्य उनके साथ हो लिए थे। वहां पहुंचकर कहा, जैतून पहाड़, वो प्रार्थना करने के लिए गए थे, दुख भोगने के लिए, और वहां पर पहुंचकर अपने शिष्यों से कहता है, तुम लोग प्रार्थना करो जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यानी कि परीक्षाएं हम सबों के सामने आ जाती हैं, यानी कि प्रलोभन, पाप करने की एक खिंचाव हम सबों के सामने आता है। और इस प्रलोभन से बचना हो तो हमें प्रार्थना करना है, प्रभु हमें से कहता है, क्योंकि हमारा आत्मा नहीं चाहता है कि हम पाप करें, गलत सोच रखें, गलत विचार रखें, गलत रास्ते में जाएं। आत्मा नहीं चाहता। यह शरीर जो है दुर्बल है, शरीर पाप की ओर झुकता जाता है, इसलिए इस शरीर को मजबूत करना हो तो हमें प्रार्थना करना है। इसलिए प्रभु ने कहा, प्रार्थना करो जिससे कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा तो आएंगी, परीक्षा में पड़ोगे नहीं। अगर प्रार्थना होगी, परीक्षा में पड़ोगे नहीं, प्रार्थना नहीं करोगे तो परीक्षा में पड़ जाओगे। हम लोग बाइबल में बहुत सारे उदाहरणों को देखते हैं जहाँ लोगों ने प्रार्थना नहीं की और उसका नतीजा क्या हुआ, वो परीक्षा में पड़ गए। जैसे प्रभु के शिष्यों को प्रभु ने कहा, प्रार्थना करो, जागते रहो, प्रार्थना करो। प्रभु के शिष्यों ने क्या किया? वो सो गए, प्रार्थना नहीं की, परीक्षा में पड़ गए। प्रभु के साथ खड़े नहीं हो पाए, परीक्षा में पड़ गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां और जब लोग प्रार्थना नहीं करते, परीक्षा में पड़ते हैं। इस बात को हम समझ लें। जैसे मान लो कोई व्यक्ति भोजन नहीं करता, तो उसका शरीर क्या होगा? कमजोर पड़ेगा, शरीर में ताकत नहीं रहेगी, वो दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसको बीमारियां लगेंगी, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है, शरीर में बल नहीं है, बीमारियां लगेंगी, 1, 2, 3 ऐसे कई प्रकार की बीमारियां लगेंगी। उसी प्रकार से प्रार्थना करने से हमारा आत्मा मजबूत होगा, हर प्रकार के प्रलोभनों का सामना करने में हम सक्षम होंगे, परीक्षा में पड़ेंगे नहीं, परीक्षा का सामना करेंगे और प्रभु के साथ हम खड़े रहेंगे, हम जीतेंगे। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों से कहता है, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें। आज का पूरा दिन हमें दिया गया है प्रार्थना करने के लिए। प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु ने हमारे लिए, मेरे लिए क्या किया, इस बात पर मनन चिंतन करें और प्रार्थना करें, परीक्षा से बचने के लिए, परीक्षा में ना पड़ने के लिए, प्रलोभनों का सामना करने की ताकत के लिए हम प्रार्थना करें। विशेष रूप से हम प्रार्थना करें आज के दिन में, जो लोग अलग अलग प्रकार के प्रलोभन में पड़ जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते, चाहते तो हैं, कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु की ताकत आए, प्रभु की सामर्थ्य आए। जैसे कि प्रभु ने कहा, प्रार्थना करोगे तो परीक्षा में नहीं पड़ोगे। परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए खुद और दूसरों के लिए, परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए हम आज के दिन में प्रार्थना करें। वही प्रभु
हम सबों को परीक्षाओं में से बचाएं, पाप से बचाएं, ताकि हम प्रभु के नज़दीक बने रह सकें।